अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्ला। आप लोगों के लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक केपी के स्टूडेंट्स ह्यूमन राइट्स का पेपर जब अटेम्प्ट करेंगे एलएलबी में, इम्पोर्टेंट टॉपिक है IACHR की, आपके कोर्स के आउटलाइन में शामिल है। ये डॉक्यूमेंट है इंटर अमेरिकन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। इंट्रोडक्शन इसका देख लेते हैं कि इंटर अमेरिकन कमीशन जो है प्रिंसिपल एंड ऑटोनोमस ऑर्गन है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स। ये OAC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स, इट्स पर्पस इज टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स इन द अमेरिकाज, एस्टैब्लिश इन 1959। ये डेट याद रखनी है, 1959 में एस्टैब्लिश हुआ। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। IACHR वर्क्स इन कंजंक्शन विद इंटर अमेरिकन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब अमेरिका के अंदर जो स्टेट्स हैं उनके आप अंदर ह्यूमन राइट्स कोर्ट इस्टेब्लिश्ड हैं, तो इंटर अमेरिकन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स के साथ मिल के ये ऑर्गेनाइजेशन, ये कमीशन जो है वो वर्क कर। नेक्स्ट आपके पास है की रोल्स और फंक्शन। पिटीशन सिस्टम है, ये NGOs वगैरह उसमें होती हैं। IACHR रिसीव्स एंड प्रोसेसेस इंडिविजुअल पिटीशंस फ्रॉम पीपल ग्रुप और NGOs who allege that their human rights have been violated by some member state of OAS. After analyzing these petitions, the IACHR can issue recommendations to the state or refer the case to the Inter-American Courts of Human Rights if the state fails to comply with. Second है country reports बनती हैं। The commission regularly monitors and reports on the human rights situation in OAS organization of American states. मेंबर स्टेट्स की कंट्री के लेवल पे रिपोर्ट्स बनती हैं। दिस इंक्लूड ऑन साइट विजिट्स एंड द प्रेपरेशन ऑफ कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट्स, जहाँ पे भी ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के बारे में केस रिपोर्ट होता है वहाँ पे ऑन साइट जाके विजिट भी करना और ह्यूमन राइट्स के उसके ऊपर एक कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट प्रिपेयर करना। ई रोल और फंक्शन है प्रिकॉशनरी मेजर्स अडॉप्ट करने के लिए। फिर बताता है The IACHR can request that state adopt urgent measures to prevent irreparable harm to individuals or group in situations of grave risk. फिर thematic reports होती हैं, commission ने produce करनी होती है thematic reports on specific human rights issue के ऊपर एक detailed report जो prepare की जाती है in case of violation of human rights. फिर promotion of human rights के लिए work करना होता है कि IACHR जो कमीशन है वो अंडरटेक्स करता है एक्टिविटीज़ एम्ड एट एजुकेटिंग एंड प्रमोटिंग अवेयरनेस ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स की अवेयरनेस कैंपेन चलाना ये बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है किसी भी ऑर्गन का, किसी भी कमीशन का, जिस भी लेवल पे वो फॉर्म किया गया हो। इवन पाकिस्तान का जो कमीशन है नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, हर ह्यूमन राइट के कमीशन का एक बेसिक फंक्शन क्या है, प्रमोशन और अवेयरनेस क्रिएट करना। ये तो हर एक की हेडिंग आपने याद रखनी है ज़रूरी फंक्शंस। नेक्स्ट है की एरियाज ऑफ फोकस, किन किन एरियाज पे फोकस करेगा। सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स पे फोकस करेगा, इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट पे फोकस करेगा कमीशन, इंडिजिनस राइट्स पे प्रमोट करेगा, वुमेन्स राइट्स पे, राइट ऑफ माइग्रेंट्स जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे फोकस। ये एक ही एरियाज ऑफ फोकस है रिलेशनशिप विद द इंटर अमेरिकन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब कैसे वर्किंग करनी है, क्योंकि इंटर अमेरिका अमेरिकन जो कोर्ट्स हैं ह्यूमन राइट्स की वो आपको मुख्तलिफ स्टेट्स में इस्टेब्लिश हुई हुई हैं हर स्टेट में, तो ये वाई द IACHR कैन मेक रिकमेंडेशंस एंड प्रमोट डायलॉग बिटवीन विक्टम्स एंड स्टेट्स। इट डज नॉट हैव द जुडिशियल पावर टू एनफोर्स इट्स रिकमेंडेशंस। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि डिसीजन दे के इन्फोर्स कराने की पावर इस कमीशन के पास नहीं है। जहाँ पे कमीशन फेल हो जाता है वहाँ पे ये रिकमेंड कर देगा किसको, इंटर अमेरिकन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स को। कहाँ पे बेस करती हैं, कोस्टा रिका में। द कोर्ट हैज़ बाइंडिंग अथॉरिटी मीनिंग इट्स जजमेंट आर लीगली इन्फोर्सेबल बाई स्टेट्स that recognize its jurisdiction. Inter-American Court of Human Rights are based in Next है importance क्या है human rights के landscape में। अब आप सब लोगों को importance का idea हो गया कि इसके key functions और role क्या है, standard क्या है। America के अंदर जो organization जो
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट है, उन्होंने इस एक कन्वेंशन ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन इस्टेब्लिश किया, कमीशन इस्टेब्लिश किया। वो क्या उसका फंक्शन था? ह्यूमन राइट्स के मेक श्योर करना कि इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और इंटर अमेरिकन जो कोर्ट्स हैं उनके साथ लाइजॉन करके प्रिवेंशन के काम करना, अवेयरनेस क्रिएट करना लोगों के दरमियान, और किसी भी तरह का अगर कहीं पे इंसिडेंट इनको नज़र आए रिपोर्ट्स तैयार करना, ये सारे कमीशन गवर्नमेंट के साथ मिलके काम करता है, और गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू एडमिनिस्टर ह्यूमन राइट्स एंड सच कोर्ट्स विच परफॉर्म्स जुडिशियल फंक्शंस इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड देयर डिसीजंस आर बाइंडिंग। सो आपका कंक्लूजन है कि इसका कितना इम्पोर्टेंट रोल है अमेरिका के अंदर, ये सारी कंट्री रिपोर्ट्स, वायलेशंस की रिपोर्ट्स, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन रिपोर्ट प्रिपेयर करना, कंट्री लेवल पे तैयार करना, रीजनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे तैयार करना, ये सारा कुछ क्या करना है? इस इंटर अमेरिकन कमीशन और ह्यूमन राइट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये किस तरह से ऑपरेट करता है, इसके की फंक्शंस क्या हैं, कौन से ह्यूमन राइट्स को गारंटी करता है, ये सब आपको इस असाइनमेंट में मिल रहा है। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब व कामरान करे।